तो आइए भाई आज देखते हैं कल की मूवी देखने वाले कुछ सारिया पीपल से। अमिताभ बच्चन ने बेस्ट। ओह अमिताभ बच्चन इज बेस्ट। और कॉमेडी भी थी, सब कुछ था, मतलब बहुत बढ़िया। कॉमेडी भी थी, सब कुछ था, बेस्ट बढ़िया। लेकिन कोई बात नहीं भाई लोग, लड़की का रिप्लाई में पसंद आया। फुल एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेन भी हुआ, एक्शन भी था, सब कुछ। हाँ बस बस अब दूसरों की तैयारी आने दे साली। वगैरह कैसे थे? पूरे बेस्ट। बेस्ट बाद में, तू पहले ना आ गया। अब देखो क्या है कि अपन लोग ये नहीं बोल देंगे कि तेलुगु का सिनेमा, अपन बोलेंगे पूरे इंडियन सिनेमा है, सबने मिलकर बहुत बेस्ट काम करा है। सारे तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तेरा टिकट के पैसे वसूल हुए। क्या बढ़िया लगा आपको फिल्म में? सभी कुछ बहुत अच्छा था यार, मतलब अमिताभ बच्चन का जो रोल था बहुत बहुत अच्छा था, और जो उसकी जो साउथ का एक्टर, हमें नाम तो नहीं पता। अबे चाचा नाम नहीं पता तो क्या देखने गया था? प्रभात, उसकी एंट्री बड़ी अच्छी थी, बहुत थोड़ी सी अच्छी सी। तो तेरे लिए क्या वो चाल कबूतर लेकर आई? एक्शन बढ़िया था जी। और जो भी मतलब, नहीं 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 आंटी आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि इंटरवल के पहले तो क्या कहानी बिल्डअप हो रही थी ना कि आगे है क्या। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा ही चलेगा। साला तू बार बार बीच में आ जाता है, साइड में निकल, और सबका रिकॉर्ड टूटेगा। तो तेरी गांड का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? मूवी ठीक है, लेकिन अगले भाग के लिए तैयार कर दिया। पहले पार्ट में मजा आया कि नहीं ये बताओ? पहले पार्ट में इतना नहीं। लो, 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 इस बेचारे मुना को भाई लोग यहाँ पर मजा नहीं आया। डिसअपॉइंट किया मूवी ने पूरी तरीके से। क्या बुरा लगा आपको? सर अमिताभ बच्चन में उसका रोल सही था। अच्छा। बाकी तो कुछ भी खास नहीं था मूवी में। अब पूरी से करके तू कोई बेताजी बादशाह है जो तेरे कहने पे फिल्म बनेगी? मतलब क्या आपको क्या गलत लगा बताइए, खुल के थोड़ा। मूवी में गलत था, डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी जी, और स्टोरी को पूरा यहां से वहां फेंक दिया। अच्छा। पहले हाफ में तो आपको लगेगा ही नहीं कुछ। अच्छा मतलब वो, मतलब कहानी नहीं आपको पसंद? कुछ भी नहीं। कहानी यही प्रचन, साले तेरे माँ बाप ने ये कहानी नहीं की होती तो तू आज पैदा नहीं हुआ होता। मैं नमन करना चाहता हूँ नाग अश्विन जी को, मतलब व्हाट अ विजन, क्या विजन लेके पिक्चर बनाई है। यहाँ पर भाई लोग मुझे लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर ने इसे पैसे दिए हैं अच्छी बात बोलने के लिए। बहुत मतलब जो मेहनत होती है, डेडिकेशन होता है आदमी का, साफ साफ झलकता है। अच्छा। और जो स्टैंडर्ड है इंडियन फिल्मों का वो अलग लेवल पे ले जाके रखा इस बंदे ने। वैसे हाथी की शकल क्या साइड में निकल गया? पिक्चर के अंदर में ऐसे फ्लॉज है, थोड़े बहुत है, लेकिन फ्लॉज से ज्यादा उसके बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। और बस बस भाई सुन चुके हैं, अभी साइड में तो जा रहे बच्चन साहब। लेजेंड है वो तो जी, बच्चन साहब लेजेंड है, कमर। अबे वो तो हमें भी पता है कि बच्चन साहब लेजेंड है, अब भाई लोग ये जाने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैं चले जाता हूँ।